अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई मैथ्स क्लास वन। इसका हम शेप्स के बारे में पढ़े थे, मैथ शेप्स के। आज हम पेंटागॉन शेप के बारे में पढ़ेंगे। पेंटागॉन शेप्स हैं फाइव साइड्स। इट हैज़ फाइव साइड्स, 1, 2, 3, 4, 5। पेंटागॉन हैज़ फाइव साइड्स, इट इज़ लुक लाइक हाउस। इसकी फाइव लाइंस होती हैं और ये हाउस की शेप की तरह हमें लगता है। पेंटागॉन आई एम मेड अप ऑफ फाइव लाइंस, सो आई हैव फाइव साइड्स। इसकी फाइव लाइंस होती हैं और इसकी फाइव साइड्स हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फाइव लाइंस हैं। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी और ये भी लाइन है। फाइव लाइंस एंड फाइव साइड्स, 1, 2, 3, 4, 5। पेंटागॉन हैज़ फाइव साइड्स एंड फाइव लाइंस। आई लुक लाइक अ हाउस। पेंटागॉन किसकी तरह लगता है? हाउस की तरह लगता है। आई लुक लाइक अ हाउस। ये देखिए, आपको पेंटागॉन की शेप हाउस की तरह लग रही है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं ड्रॉ अ पेंटागॉन। यहाँ पे आपने ये पीस है, यहाँ पे आपने पेंटागॉन शेप ड्रा करनी है। यहाँ पे मैंने एक शेप ड्रा की है, ये देखें। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है स्केल के साथ, बिल्कुल इधर से स्ट्रेट लाइन लगानी है, इधर से लाइन लगानी है, फिर इस साइड से लगानी है, इधर से लगा के और यहाँ से। ये बिल्कुल हाउस की तरह आपको लग रहा है। पहले स्ट्रेट लाइन ये वाली लाइन है, फिर ये लाइन लगाई है, फिर यहाँ से है, फिर ये वाली, और इसको ऐसे इधर से क्रॉस कर दिया। पेंटागॉन लुक लाइक अ हाउस, ठीक है। आप इधर एक दो तीन शेप भी ड्रा कर सकते हैं। आप एक बड़ी शेप भी बना सकते हैं, स्मॉल भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कलर द पेंटागॉन। पेंटागॉन में आपने क्या करना है? कलर करने हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं। स्क्वायर शेप है, रिक्टेंगल शेप है, सर्कल है, पेंटागॉन है। इसमें से आपने जो सी पेंटागॉन है उसको फाइंड करना है और उसमें क्या करने हैं? कलर करने हैं। ये देखिए पेंटागॉन कितनी साइड्स होती हैं उसकी? फाइव साइड्स है और फाइव लाइंस है। ये कौन सी शेप है? ये रिक्टेंगल की है। इसकी फाइव साइड्स नहीं है, इसकी 1, 2, 3, 4 साइड्स हैं। ये इसकी कितनी साइड्स हैं? 1, 2, 3, 4। ये भी पेंटागॉन नहीं है, ये तो ऑल अराउंड है, सर्कल है, ये भी पेंटागॉन नहीं है। इसको देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये पेंटागॉन शेप है। तो इसको हम टिक करेंगे और आगे फाइंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी पेंटागॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो पेंटागॉन नहीं है, मीन्स कि इसको नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 पेंटागॉन है, फाइव साइड्स, तो ये भी पेंटागॉन है, तो इसको भी हम टिक करेंगे। अब ये कौन सी है? ये तो सर्कल है, ऑल अराउंड है, इसको नहीं करेंगे। 1 हमने वो वाली शेप फाइंड करनी है जिसकी फाइव साइड्स और फाइव लाइन होंगी। 1, 2, 3, 4 ये तो 4 है, इसकी तो 5 नहीं है, इट्स मीन कि इसे नहीं हम करेंगे। आगे क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसकी भी 6 साइड्स हैं, इसको भी नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इट्स मीन कि ये पेंटागॉन शेप है, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ये भी पेंटागॉन है, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें इनको हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इनमें क्या करना है? कलर द पेंटागॉन्स। तो इसमें हमने पेंटागॉन्स जो शेप होगी उसमें हमने क्या करने हैं? कलर करने हैं। ये वाली पेंटागॉन में करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें और इसमें, इस सारे पेज में, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें 5 पेंटागॉन फाइंड किए हैं। 1, 2, 3, 4 इसमें हमने 4 पेंटागॉन फाइंड किया है। 1, 2, 3, 4 और 4 में हमने क्या करने हैं? कलर्स करने हैं। ये वाला वर्क हमारा पेज नंबर 32 पे है, ठीक है। इस पर हमने क्या किया है? पेंटागॉन शेप के बारे में पढ़ा है कि इसकी 5 साइड्स हैं और ये 5 लाइन से मिलकर बना है और इसकी 5 ही साइड्स हैं। यहाँ पे हमने पेंटागॉन ड्रा करना है यहाँ पे, और ड्रा करके इसमें हम कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे है कलर द पेंटागॉन। पेंटागॉन में क्या करने हैं? फाइंड करना है इन सब में से पेंटागॉन को और फिर उसमें कलर करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।